आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट्स का, जिसमें हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है, और कैसे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या होगा, और मैं 2 साल का ओल्ड यूनिवर्सिटी का पेपर शेयर करूंगा, जिससे आपको काफ़ी ईजी होगा स्टडी करने के लिए। इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, अकाउंट्स, ऑलमोस्ट 4 से 5 सब्जेक्ट्स के पहले से कवर करके रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो यहाँ पे आई बटन में प्लेलिस्ट का आ रहा होगा, ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको स्टडी करना है, कौन से टॉपिक्स आप ओमिट कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 10 तारीख से स्टार्ट है नेक्स्ट मंथ में, और आपके पास हार्डली आप समझ सकते हैं कि बहुत कम टाइम है, तो कैसे आप स्टडी कर सकते हैं स्मार्ट स्टडी, एंड एट लास्ट कैसे आप इजिली अच्छे प्रेजेंटेशन करके कैसे आप अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन का काफ़ी बड़ा रोल होता है टीवाई के या थ्योरी पेपर्स में, एक्सप्लेनेशंस जब आप आंसर्स लिखते हो। ठीक है, तो मेक श्योर आप वीडियो लास्ट तक देखिए, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वीडियो के कमेंट में आप जो है पूछ लीजिएगा। अब देखिए, पेपर पैटर्न है, और फिर यहाँ पे जो है आपके सिलेबस है, और ये पेपर पैटर्न है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के रखे हैं, वो डिस्कस करने से पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप जो है ये समझ लीजिए कि पेपर पैटर्न क्या है और हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये क्यों पूछा जा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्यों है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं सिलेबस, और जो ये सिलेबस है और ये जो पेपर पैटर्न है उसको कंपेयर करके फिर मैं बता रहा हूँ कि हाँ इसमें से पूछा जाएगा, राइट। तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं। इसके पहले हमने कॉमर्स, एक्सपोर्ट मार्केटिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स का कवर किया था, तो वहाँ पे मॉड्यूल वाइज था, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूल वाइज नहीं, डायरेक्टली चैप्टर से सिलेबस है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग यूनिट में डिवाइड करेंगे सो ये 3 चैप्टर का एक यूनिट बनेगा, ये 3 चैप्टर का एक यूनिट बनेगा, ये 3 चैप्टर्स और ये 3 चैप्टर्स, तो टोटल कितने मॉड्यूल हो गए, 1st, 2nd, 3rd और 4th, ऐसा हम लोग जो है कंटिन्यूशन करते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो कहाँ से पूछेगा, मॉड्यूल जो है 1 से पूछेगा, और क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो कहाँ से पूछेगा, मॉड्यूल 2 या यूनिट 2 से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से पूछेगा, ये 3 चैप्टर से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछेगा वो ये टॉपिक से पूछेगा। अब ये मैंने कैसे डिवाइड किया, पेपर पैटर्न आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल 1 से पूछेगा, दैट मींस इट विल बी आस्क फ्रॉम हियर, मॉड्यूल 2 से पूछेगा क्वेश्चन नंबर 3, सो इट विल बी आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर्स, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से पूछेगा, मॉड्यूल 3 से पूछेगा, राइट। तो पेपर में हमको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन कौन से जो है क्वेश्चंस में आएगा, कौन से मॉड्यूल में से कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन से क्वेश्चन में, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पहले, और हमको कौन सा चैप्टर्स पहले करना है। ठीक है, और लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो शॉर्ट नोट्स होता है, जिसमें चारों मॉड्यूल से फिक्स जो है पूछता है, ये 20 मार्क्स का होता है, बाकी कितने मार्क्स के होते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं, और स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव्स जो होता है उसमें से आपको ट्रू फॉल्स और जो है यहाँ पे दिया है, और जो है ऑप्शंस जो रहता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, उसमें से जो है 10 क्वेश्चंस, मतलब आउट ऑफ 12 पूछेगा जिसमें से आपको 10 करने होंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स में भी आपको जो है 12 पूछेगा जिसमें से आप जो है 10 करने हैं, तो ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव जो है ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कितना कंसेप्ट क्लियर करके रखा है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 20 मार्क। अगर आप इजिली कवर कर सकते हैं तो बाकी आप 100 में से अगर आप कैलकुलेट देखो तो 40 का एग्रीगेट बनता है कि भाई 40 मिनिमम आ जाना चाहिए, तो 20 मार्क्स यहाँ पे आ गया, बाकी आपको मैं जो बताऊंगा उससे आप 20 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स भी जो है आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, बुक्स में जो दिया है ऑब्जेक्टिव्स कंसेप्ट आप क्लियर करके रखो, क्योंकि उसके बेस पे ही आएंगे, ठीक है, और मैक्सिमम जो बुक में दिया है वो आप कर सकते हो। ठीक है, और यूनिवर्सिटी का जो पेपर मैंने दिया है वो भी PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, वो यूनिवर्सिटी का 2 साल का जो पेपर है वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा MCQs और फिलिंग लाइक ट्रू फॉल्स
की क्वेश्चंस हो सकता है दो तीन क्वेश्चन रिपीट हो, बट आपको हेल्प करेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन नंबर वन के ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी हमने समझ लिया कि पेपर पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि ये टॉपिक से कौन सा चैप्टर आएगा। नाउ अब जो मैं बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो MIS है ये स्टार मार्क करके रखो, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। या तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ लेवे या 20 शॉर्ट नोट में पूछ लेगा, या तो फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिख जाएगा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन पूछेगा ये गारंटी है, ठीक है। किसका? MIS का, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये टॉपिक जितना भी इसके अंदर टॉपिक है वो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ये इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग में जो है ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि देखो इसमें जो इसके आगे मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो मार्केटिंग रिसर्च का इसका ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिख के रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स, ये देखो यहाँ पे MIS का मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, ठीक है। मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो ये टाइप के जो है दो क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से जो है बन जाते हैं, ठीक है। अभी ये स्टेप्स है मार्केटिंग, तो वो भी पूछ सकता है शॉर्ट नोट में, लॉन्ग आंसर में, बट पहला मेन प्रायोरिटी किसको दोगे? MIS, और ये फर्स्ट टॉपिक हो तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन ईयर आता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो रिसर्च डिजाइन में दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ईयर और सैंपलिंग में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ईयर में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसके मैरिट डिमेरिट्स वो आप कर लीजिए, ये वाले चैप्टर्स भी कर लो आपको आराम से आ जाएगा, और ये सैंपलिंग वाला, तो आपके यहाँ से दो क्वेश्चन कवर हो गए। और ये टॉपिक्स जो है इजी क्यों है, क्योंकि आप 11th में आपने पढ़ा रहेगा कि जो है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के अंदर जो है आता है, प्राइमरी के अंदर क्वेश्चन ईयर और सैंपलिंग ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब देखो ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये वाला आप स्टार मार्क करके रखो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, या तो इसका डिस्टिंग्विश पूछ ले या तो शॉर्ट नोट पूछे। तो यहाँ पे मैंने दो स्टार मार्क करके दिया, ये और ये। उसके बाद कौन सा बोला? क्वेश्चन ईयर, सैंपलिंग, और ये प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, दैट्स इट। अगर आपने इतना पढ़ लिया काम खत्म। फिर उसके बाद आप लास्ट में रिपोर्ट वाला जो है ये आप स्टार मार्क करके रखो। ये तो मैंने तीन क्वेश्चन दिया, तीनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ये वीडियो पेपर देने के बाद जो है आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस कमेंट में आके ये वीडियो को वापस से कमेंट ऐड करना कि मैंने जो है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के ऊपर एक क्वेश्चन, और MIS के ऊपर ये कंपलसरी है। मैं आई एम 100% श्योर कि ये तीन टॉपिक पे आएगा क्वेश्चन। तो ये तीन टॉपिक आप पहले करो। उसके बाद से कौन सा बोला मैंने? ये क्वेश्चन ईयर का बताया, सैंपलिंग का बताया, ठीक है। फिर ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो ऑलमोस्ट देखा जाए सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक आपको पहले करना है, बाद में टाइम अगर आपके पास होता है तो आप इसके हिसाब से कर सकते हो, तो स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखा है मार्केटिंग रिसर्च का, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये MIS का लिख के रखा है, फंक्शंस, डाटा माइनिंग का लिख के रखा है मैंने। फिर उसके बाद रिसर्च डिजाइनिंग का जो है उसके स्टेप्स यहाँ पे था ना, स्टेप्स, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा स्टेप्स। फिर किस टाइप के क्वेश्चंस, क्वेश्चन ईयर का मैंने बताया था ना, क्वेश्चन ईयर, इसके मैरिट डिमेरिट्स, सैंपलिंग का मैंने बताया। तो ये दोनों का एक क्वेश्चन बहुत ईजी, मतलब ये दोनों क्वेश्चन काफी ईजी होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उसके बाद जो है अगर आप देखोगे इसमें पूछा है कि सैंपलिंग का, अब देखो बहुत सैंपलिंग बेसिकली हम लोग हाइपोथेसिस यूज करते थे, ये भी आप क्वेश्चन स्टार मार्क करके रखो, इट कैन बी आस्क। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखो पर्सनल इंटरव्यू, ये भी है, ये गुड रिपोर्ट वाला जो मैंने बताया। फिर ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाला जो मैंने बताया, ठीक है। अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब प्राइमरी डेटा का आप कर लो या सेकेंडरी डेटा, दोनों में से एक कंपलसरी आएगा ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज इन कलेक्शन डेटा, तो ये भी देखो, ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स बहुत ही थेरेटिकल हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको, ऊपर ऊपर से सिर्फ पॉइंट्स पढ़ लेना है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ कैसे आपको पढ़ना है। मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले जो मैंने बताया तीन चार क्वेश्चन पहले वो करने हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। ओके नाउ इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो गया, सही नहीं दिख रहा है। मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या आपको पहले करना है। देखो MIS का आपको पहले करना है, ये फर्स्ट चैप्टर आपको करना है पूरा अच्छे से, ये वाला MIS करना है। फिर उसके बाद क्या मैंने बताया, ये रिपोर्ट राइटिंग, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का बताया मैंने, ये इतने हो गए। फिर उसके बाद कौन सा ये करना है, ये करना है। मतलब अगर आप इतना करते हो तो आपका 60+ आराम से आ जाएगा अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स कर लिया आउट ऑफ 100।
ओके नाउ कैसे स्टडी करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं MIS पढ़ रहा हूँ, तो MIS में कितना टॉपिक है वो टॉपिक को मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा ऐसे। अगर आपको नहीं पता, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेरा नोट्स देख लो, उसमें मैंने बरोबर एक चार्ट बनाया जिसमें ऐसे हर क्वेश्चन का एक चार्ट बना दिया, जिससे आपको ईजी हो कि उस टॉपिक के अंदर कितने टॉपिक है। बाकी वो पॉइंट्स अगर आपको पता है, ठीक है, अभी यहाँ पे आपने पॉइंट्स लिख दिया, सिर्फ क्या लिख दिया, पॉइंट्स। अब आपको अगर पॉइंट्स का मीनिंग पता है तो आप खुद एक्सप्लेन कीजिए, नो नीड टू राइट सेम एज इट इज दैट इज रिटन इन द बुक्स। बुक्स एक रेफरेंस के लिए होता है, आप खुद से आंसर लिख सकते हो बिकॉज नाउ यू आर इन TY, तो एवरी टीचर एक्सपेक्ट कि आप खुद से भी लिखोगे, दैट इज फाइन, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डेफिनेशन यू कैन राइट सेम डिक्टो, बट अदरवाइज बाकी एक्सप्लेनेशन जो होते हैं वो आप खुद से ओन में लिख सकते हो। तो आपका मेन क्या है कि भाई आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डायग्राम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि माइंड मैपिंग। क्या बोलते हैं? माइंड मैपिंग, जिससे आपको क्या होगा कि आपने पूरा चार्ट बना के एक माइंड मैप, एक मैप बना दिया, जिसमें वो देखने के बाद आपको सारे आंसर याद हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको प्रिपरेशन करना है। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। पढ़ना तो सब है, क्योंकि सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक अगर छोड़ोगे तो उसमें से क्वेश्चन छूट जाएगा। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि ये तीन टॉपिक में से दो टॉपिक आप कर लो, ये तीन टॉपिक में से आप ये दो टॉपिक कर लो, इसको छोड़ दो, तो आपके इसर से दो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, है ना। अगर आपको ये चीज चेक करना है तो आपके जो यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैं दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा, राइट। और सबसे मेन चीज, पढ़ो कम और लिखने का प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्योंकि हमारा 2 साल का गैप है, ठीक है। पेपर्स नहीं हुए, हमने पेपर्स ही नहीं दिया, लिखा ही नहीं है, और फिर डायरेक्टली अपन पेपर लिख रहे इतने साल के बाद, और वो भी इतने जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया डेट। तो अपने को जो भी आप पढ़ोगे उसको लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि जो है आपका लिखने का हैबिट थोड़ा बना रहे। आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया लेकिन आप लिख ही नहीं पाओगे बोर्ड यूनिवर्सिटी के पेपर में, तो फिर क्या होगा, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो आप लिख के प्रैक्टिस करो, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।